सरकार की नीति और नियत में आसमान जमीन का अंतर है। बोलती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है। अभी सदन के अंदर नेता सदन कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 125 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। जब आपकी बिजली नहीं रहती तो आप फ्री क्या देंगे? पूरी तरह से देखें, ये सरकार यहाँ के राज्य की जनता को बिल्कुल दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है और यहाँ के गरीब जनता का शोषण करने का काम कर रही है। बिहार सरकार ने 4401 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया था, इसमें 3712 पद खाली पड़े हुए हैं। उन पदों पर बहाली करने के बजाय सरकार उसका नाम बदल दिया और उसका पे ग्रेड जो 4200 और 4800 था उसको घटा के 2400 और 2800 कर दिया गया। तो हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि एम्बार्केशन पॉइंट जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बनाया जाए ताकि झारखंड से जो है हज यात्री सुविधा के साथ बिना कोई परेशानी के जा सके। निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है और इसका अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो रवैया है बहुत ही निराशाजनक है। जबकि आप देख लें, इसका चुनाव जो घोषणा पत्र है उसमें कई वादे इन्होंने किया था अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, चाहे वो मदरसा बोर्ड की बात हो, वक्फ बोर्ड की बात हो, वो एक भी उसके चुनावी घोषणा पत्र के किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। पूरी तरह से वर्तमान सरकार यहाँ के अल्पसंख्यकों को ठगने का काम कर रही है। आप विगत 3 वर्षों से देखें कि पहले हज यात्री रांची एयरपोर्ट से जाते थे, अभी कलकत्ता से जा रहे हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, आर्थिक बोझ बढ़ता है और इन सारे विषयों को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और महामहिम राज्यपाल महोदय का बहुत ही सकारात्मक आश्वासन रहा। क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक संस्थाएं और इन संवैधानिक संस्थाओं पर भी सरकार को नज़रअंदाज करना कहीं से उचित नहीं है, इसलिए महामहिम ने पूरा पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। धन्यवाद जी। बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, इस तरीके से पार्टी इसको लेगी? देखिए, इस सरकार की नीति और नियत में आसमान जमीन का अंतर है। बोलती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है। अभी सदन के अंदर नेता सदन कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 125 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अब जब बिजली ही नहीं रहती है पूरे राज्य में, अगर बिजली का ओवरऑल स्थिति देखें 5 घंटे 7 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में तो उतनी भी बिजली नहीं रहती है। जब आपकी बिजली नहीं रहती तो आप फ्री क्या देंगे? दूसरा है कि अब आप बिजली की बात करते हैं, जीरो कट बिजली की बात करते हैं, 5 घंटा 7 घंटा बिजली रहता है और एक तरफ बिजली नहीं रहती है, दूसरी तरफ बिजली के दर में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से देखें, ये सरकार यहाँ के राज्य की जनता को बिल्कुल दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है और यहाँ की गरीब जनता का शोषण करने का काम कर रही है। ये सारी शिकायत आपकी सेंटर से या फिर स्टेट से? राज्य सरकार का विषय है, बिजली देना राज्य सरकार का काम है। शिक्षा के विषय पे नहीं, ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार को गठन करना है, जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का है राज्य सरकार को करना चाहिए। राज्य सरकार ने किसी भी विषय पर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदायों को ठगने का काम कर रही है। देखिए, हज यात्रियों के मामले में जो शिकायत है हमारी, गवर्नर साहब ने कहा स्पष्ट कि ये मामला सिविल एविएशन का है। हम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखेंगे और निश्चित तौर पर जो 2009 से 19 तक जो एम्बार्केशन पॉइंट रांची में था बिरसा मुंडा के एयरपोर्ट में, हमको स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करेंगे। हम चाहेंगे कि सरकार पुनः उस व्यवस्था को लागू करे। और जो मैटर है, चूँकि कुलाधिपति भी है, इन्होंने कहा कि ये तो होना चाहिए। शिक्षा के मामले पर आलिम फाजिल वगैरह की डिग्री को मान्यता नहीं मिलती है, इंटर काउंसिल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है जो डिग्री का एग्जामिनेशन ले सके, वो इंटरमीडिएट और मौलवी तक का समकक्ष एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है। इन्होंने कहा है कि स्पष्ट तौर पर मैं झारखंड के तमाम विश्वविद्यालयों को लिखूंगा कि हर हाल में जो है ना वो आलिम फाजिल का एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराए। महिलाओं के लिए मदरसों और यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो आज भी उस लेवल पे नहीं है, आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर शिक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई है और ये सरकार वर्तमान में जो है कह रही है वो कर नहीं रही है। यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, शिक्षा के प्रति इनका रवैया उदासीन रहा है। आजसू पार्टी के माननीय विधायक श्री लमोदर महतो जी के नेतृत्व में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले और झारखंड में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय के कई समस्याएँ हैं और महागठबंधन सरकार ने उन सारे समस्याओं को सॉल्व करने का, पूरा करने का वादा किया था लेकिन एक भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। तो हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि एम्बार्केशन पॉइंट जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बनाया जाए ताकि झारखंड से जो है हज यात्री सुविधा के साथ बिना कोई परेशानी के जा सके। उसके अलावा झारखंड में उर्दू शिक्षकों का बहाली का मसला फंसा हुआ है,
बिहार सरकार ने 4,401 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया था, इसमें 3,712 पद खाली पड़े हुए हैं। उन पदों पर बहाली करने के बजाय सरकार उसका नाम बदल दिया और उसका पे ग्रेड जो 4200 और 4800 था उसको घटा के 2400 और 2800 कर दिया गया। और उस पर भी जो है ST SC रिजर्वेशन का मसला है। उसके अलावा झारखंड में मदरसा जो है उसमें आलिम और फाजिल की पढ़ाई होती है, आलिम जो BA और फाजिल जो है MA के समकक्ष है, उसकी डिग्री की मान्यता नहीं मिल रही है। हम लोग महामहिम से गुजारिश किए हैं कि उसकी जो परीक्षा है रांची यूनिवर्सिटी या राज्य के दूसरे यूनिवर्सिटी से कराया जाए। उसके अलावा आप देखते होंगे कि जगह जगह पर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो है कई किस्म का मनगढ़ंत आरोप लगाकर जो है FIR कर दिया जाता है, मुकदमा कर दिया जाता है, वो जेलों में भेज दिए जाते हैं, तो उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनको सम्मान नहीं मिल रहा। तो इन सारे मामले पर जो है महामहिम राज्यपाल से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।